आज हो क्या रहा है? गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम में आप देखिए, गुड मुसलमान किसको बताया जा रहा है? मुझे दुख है, गुड मुसलमान जाकिर नायक, गुड मुसलमान याकूब मेमन को बचा रहे हैं लोग कि नहीं, ही वॉज हैंग बिकॉज ही वॉज मुस्लिम. गुड मुसलमान आपका अफजल गुरु, मगर अब्दुल कलाम वास्तविक रूप में एक, आप देखिए कितना बड़ा व्यक्ति है. जब औरंगजेब के रोड को अब्दुल कलाम रोड बनाया गया, ये सारे छाती पीट पीट के हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब, पूछिए ये सारे रो रहे थे हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब. ये सारों की हालत ऐसी. तो जय हिंद जय भारत. आइए सुनते हैं संबित पात्रा की बहस. ये जाम दयाल ही नहीं, सभी कट्टरपंथी लोग देवी देवताओं की शुरू से ही मजाक उड़ाते चले आ रहे हैं. आइए देखते हैं, बहस बहुत अच्छी है. और ये जॉन दयाल फोटो खींच रहे हैं मेरी. ये जॉन दयाल तो अमेरिका गए थे कंप्लेंट करने के लिए. हाय मेरा बिलुआ, क्लिंटन, ट्रंप, ये हमें इंडिया में क्या हो, पूछिए. आप अमेरिका गए थे ना कंप्लेंट जॉन दयाल से? जॉन दयाल से जब वो बोल रहे थे तो आप इनकार कर रहे थे, कहां गलत कह रहे हैं वो? नहीं नहीं, मोदी और मैं हमेशा अमेरिका जाते रहते हैं, क्यों ना जाएं. मगर मोदी बन गए एक बार में जॉन दयाल. चुप रहो यार, बोलते जाता तुम. आपके राज में जो भाषा है वो है, वो पुराना फ्रेज है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या. औरंगजेब बाबर की औलादे फारसी नहीं थी, ये तैमूर की सुल्तान है, मंगोल थी. इनका फारसी क्योंकि उस जमाने में पढ़े लिखों की भाषा थी, जैसे उसके पहले लैटिन थी वगैरह वगैरह, ग्रीक थी. तो ये आप ये आप ये आप नहीं था ये आप नहीं नहीं ग्रीक ग्रीक में संस्कृत लैटिन के ही लगते हैं कि लैटिन अमेरिका के हैं. जानता आगे स्वाद गजब बेइज्जती है. आपको किसने आप जुबान काटेंगे क्या? आप लोगों की जुबान काटेंगे. ये औरंगजेब की आदत है, ये औरंगजेब की आदत है. मैं आपको देखिए, आप तो मोहम्मद गजनवी हैं, कार्ल मार्क्स और आ गए और क्या. कार्ल मार्क्स तो आया. एक सेकंड, एक एक करके कोई नया प्लीज, एक सेकंड, तरह का भगवान तो नहीं आ गया? दयाल साहब अपना पॉइंट बनाएं. नया भगवान मतलब मतलब क्या है? आप आप सो आई वांट टू नो दिस. नो होल्ड ऑन, अलाउ मी टू स्पीक, अलाउ मी टू स्पीक, यू आर अलाउड टू स्पीक. डोंट यू डेयर इंटर, डोंट यू डेयर इंटर. आप को छोड़ नहीं जाएगा, आप नहीं छोड़ेंगे. हम आपको बोल रहे हैं, ये बताओ बता भी चले गजब बेइज्जती है. ठीक है, आएंगे उनके पास, आएंगे तो पूछ लीजिएगा. जो दूसरों को बोलने नहीं देता वो नया भगवान होता है और वो पिट भी जाता है. जॉन दयाल भगवान कौन, किसको बोला आपने? आप भारत की नहीं विश्व की हिस्ट्री देखिए, एक राजा बताइए जो क्रूर नहीं था, एक राजा बताइए जो क्रूर नहीं था. रामचंद्र क्रूर नहीं थे. इन्होंने क्या कहा? इतिहास. ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए, पर जरा पॉइंट तो समझिए. इतिहास कहा है, लिटरेचर नहीं कहा है. भगवान एक भगवान दिखाइए जो क्रूर था, एक भगवान दिखाइए जो क्रूर था, और एक राजा दिखाइए जो क्रूर ना था. अच्छा है कम से कम राम को भगवान तो मानते हैं. राम तो राम तो अरे राम तो आपके भगवान है, हमारे भी. चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब, आप ये जो आज का जो बुरा मुसलमान अच्छा मुसलमान कर रहे हैं, अगर मैं काउंटर सवाल पूछूं, राजा मान सिंह अच्छे हिंदू थे या बुरे हिंदू थे जिन्होंने अपनी बहन एक मुगल बादशाह को दी? ये बताइए आप, ये किस ये कैसी बहस है, ये कैसी अजीब बहस है, किस अजीब समय में हो रही है, किस अजीब नियत से हो रही है, उसको मैं चैलेंज करता हूं. जानता आगे स्वाद. रागी साहब जल्दी से जवाब देखिए. बहस बहुत साफ है कि इस देश को बार बार आप कहते हैं, जब भी कुछ हत्या या हिंसा होती कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब है. तो इस गंगा जमुनी तहजीब में ये तो नहीं हो सकता कि इस्लाम जो है एक्सक्लूसिविस्ट रिलीजन बने, वो दूसरों के साथ साथ चलने की कोशिश ही नहीं करे.
आप कहते हैं कि हमारा जो उद्धार होगा वो बाइबिल के अतिरिक्त और किसी से हो ही नहीं सकता। उनका सवाल कुछ और है। क्वेश्चन है प्रभु, उसी का जवाब दीजिएगा ना। आपने जो प्रश्न, क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम में अच्छा और बुरा आता है तो हिंदुओं में भी तो अच्छा बुरा आ सकता है ना। सिंपल सवाल है। अच्छा बुरा हर जगह है, लेकिन जब औरंगजेब और दारा सिको की बात की जाती है तो इसीलिए कही जाती है कि एक जो था वो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन की तरह, सात समन्वयवादी की तरह था, और दूसरा एक था औरंगजेब जो कह रहा था कि तलवार के बल पे जितने हम गाजी बनने के लिए तैयार हैं, हम हिंदुओं को मारेंगे, हम कन्वर्जन करेंगे, उनके टेंपल्स गिराएंगे। तो एक तो ये हिंसा की भाषा ये थी। मैं इसलिए कहता हूं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों एक्सक्लूसिविस्ट डॉक्ट्रिन है। वो अकेला दूसरों को होमोजेनाइज करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में जहां इस्लाम गया वहां सारे लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया। क्रिश्चियनिटी यूरोप में गई तो सभी को, आपने कभी हिंदुइज्म को ऐसा देखा है करते हुए? भारत एक अकेला, सुन लीजिए ज्यादा ध्यान रखे, आप कंबोडिया भारत में यह संघर्ष इसीलिए हुआ, दिल्ली में बैठ के भाष दे रहे हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए हम गए भारत एक बुराने भी गए। अरे यार आप पूरी गए क्या? अरे सुनिए तो सही ना। हाँ पूरी में आप क्या करते हैं हम बताते हैं। आप क्या करते हैं हम जानते हैं। पूरी में क्या करते हैं कि एक क्रिश्चियन मिशनरी का पूरी से आप भाग गए और बोलेगा कि ये को ये दो लकड़ी का है ना, जगन्नाथ जी लकड़ी के लिए एक रखते हैं और दूसरा क्राइस्ट जो है वो लोहे के रखते हैं, माचिस लगाते हैं, कहते हैं देखो ये तो हमारे क्राइस्ट तो जलते नहीं है, तुम्हारे जगन्नाथ जी जलते हैं। अच्छा जॉन जी ये सब करते हैं, मजबूत है। अरे ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग है, हमारी रिपोर्टिंग